नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड के बारे में। अगर आपका भी ईएमआई कार्ड ब्लॉक हो गया है बजाज का और आप चाहते हैं उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी सीख सकें कि बजाज फाइनेंस का कार्ड कैसे अनब्लॉक करते हैं। और दोस्तों, बजाज का जो कार्ड है ब्लॉक होने का सबसे बड़ा कारण समय पर किस्त ना देना, पेमेंट समय पर ना देना। एक दो दिन लेट हो जाता है तो हमारा जो है कार्ड ब्लॉक हो जाता है, कई बार हमारा चेक बाउंस भी हो जाता है, उसके चलते भी हो जाता है। अगर आपने सेकंड पर्सन से लोन लिया है, उसका समय पर नहीं दे रहे हैं या लेट हो जा रहा है, उसके चलते भी आपका बजाज का कार्ड ब्लॉक हो जाता है। तो सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज के फाइनेंस जो कार्ड है ईएमआई कैसे अनब्लॉक करें, पूरी जानकारी के साथ आपको लाइव प्रूफ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं मुकेश। आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल टेक्निकल वर्ल्ड एमजे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूले, ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने बजाज ईएमआई कार्ड को अनब्लॉक करना तो इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम यहां पर आपको दिखाते हैं हमारा बजाज ईएमआई का जो कार्ड है, बजाज फाइनेंस ईएमआई कार्ड, यहां पर हमारा ब्लॉक है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मेरा कार्ड ब्लॉक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं मेरा जो कार्ड यहां पर ब्लॉक दिखा रहा है। अब इसे हम अनब्लॉक कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है सर्च बार में बजाज फिनसर्व कस्टमर पोर्टल। आपको जैसे ही सर्च करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला लिंक देख पा रहे हैं, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है नीचे, सबसे लास्ट में नीचे ब्लू कलर में देख पा रहे हैं, लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने ईएमआई कार्ड बनाते समय दिया था। तो चलिए, हम मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमारा जनरेट ओटीपी हो चुका है और हमें ओटीपी आ चुका है, आपको ये ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद एक्सेप्ट एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे जो ऑप्शन हैं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपको देखना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ एक बार, यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर मेरी जो इंस्टॉलमेंट है चली गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोन व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सभी लोन्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने सभी लोन्स जो यहाँ पर दे दिए हैं, कोई भी पेंडिंग नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। अगर आप वैसे तो अगर आपका कोई पेंडिंग रहा होगा और आपने नहीं दिया होगा, उसकी वजह से भी आपका जो कार्ड है ब्लॉक हो जाता है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ पर अभी 00 दिखा रहा है क्योंकि हमने सारा जो है क्लियर कर दिया था। दोस्तों, आपको माय रिलेशन में आना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, एक सेकेंड, ये देखिए, यहाँ पर ईएमआई नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पर
इनएक्टिव मेरा कार्ड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ई स्टेटमेंट पे हमको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक जो है एक्टिव है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट जो मेरा एक एक्टिव है, जो कि 15,500 का लोन था। और स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर एक एक्टिवेट केस है, शायद इसका अमाउंट जो है नहीं गया है, कुछ पेंडिंग बचा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रीपेमेंट पे क्लिक करके आप इसकी रीपेमेंट की जो स्लिप है यहाँ ओपन करके देखेंगे कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरी जो पेंडिंग फीस है अभी मुझे देनी है, यहाँ पर दिख रहा है, जिस कारण मेरा कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है कितना क्या है, और 1,350 रुपये मुझे वापस करने हैं, उनको देने हैं, जो कि जुर्माना होगा या उसका चार्जेस होगा। जब आप ये पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ईएमआई कार्ड पे आना है और उसके बाद व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको आपका जो मैसेज करना पड़ेगा, आपको ये देखिए इस नंबर पे आपको सेंड करना पड़ेगा रजिस्टर्ड मोबाइल से। ये देखिए कार्ड एक्टिवेट करने के लिए पेमेंट जब आप कर देंगे, हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपका कार्ड जो है दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ये नंबर पे मैसेज करना है ईएमआई कार्ड का, ईएमआई कार्ड लिखकर और रजिस्टर्ड मोबाइल से सेंड कर देना है। उसके बाद आपका हफ्ते या 15 दिन के अंदर आपका ईएमआई कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे कि कैसे ईएमआई कार्ड बजाज का किया जाता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।